बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार से। आखिर किस बात का संदेश दे रहे हैं जीर्ण शीर्ण झुके हुए तिरंगे? आखिर जिम्मेदार अधिकारी आज देश के गौरव के प्रतीक तिरंगे की दुर्दशा पर मौन क्यों? बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई क्यों ठंडे बस्ते में? आजादी का अमृत महोत्सव 13 अगस्त से 15 अगस्त तक था, इसके बाद घरों होटलों ढाबों तिरंगों की दुर्गति क्यों? झुके हुए तिरंगे किस बात का संकेत दे रहे हैं? प्रशासन आखिर क्यों चुप है? घर तिरंगा अभियान खत्म हो चुका है और पिछले 3 दिनों में आम आदमी से लेकर खास लोगों ने तिरंगा अभियान में बढ़ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। केवल हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से अधिक लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज की सेल्फी लेकर पोस्ट की। अब चूंकि यह अभियान खत्म हो गया है तो झंडे को उतारने का भी समय आ गया था, वह भी सम्मान के साथ। जिस तरह राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का नियम है, उसी तरह से उतारकर सम्मान के साथ रखने के नियम भी हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ रखने का क्या तरीका है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 की धारा 2 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का अपमान रोकने के लिए इन नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। हरिद्वार प्रशासन मूक दर्शक बनकर आखिर क्या संदेश देना चाहता है? टैपो ढाबो घरों में मैले फटे और झुके राष्ट्रीय ध्वज किस बात का संकेत दे रहे हैं? किसी राष्ट्रीय ध्वज को उतारने के बाद उसको पूरे सम्मान के साथ लपेट कर रखना सबसे पहला काम है। राष्ट्रीय ध्वज का जमीन फर्श पानी से स्पर्श नहीं होना चाहिए। अगर यह किसी तरह क्षतिग्रस्त हो गया तो जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को गंदा नहीं रखना चाहिए। किसी भी हालत में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी वाहन के किनारों, पृष्ठभाग, शीर्ष भाग को ढकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग निजी अंत्योष्टि को लपेटने के साथ ही किसी भी तरह की चीज़ों को लपेटने के लिए किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी पोशाक या वर्दी या पहनावे के हिस्से में चित्रित नहीं किया जाएगा जो किसी भी व्यक्ति की कमर के नीचे पहना जाता है, और ना ही कुशन, रुमाल, नैपकिन, गारमेंट्स किसी कपड़े में कढ़ाई या मुद्रित रूप में किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग लेखन प्रक्रिया में नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग वस्तुओं को लपेटने, प्राप्त करने और वितरित करने के लिए नहीं किया जाएगा। तिरंगे झंडे को उतारने के बाद समेट कर सुरक्षित स्थान पर रख दें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके घर में आसपास झंडे का अपमान ना हो। अगर कोई झंडे का अपमान करते हुए उसका दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो 3 साल तक की जेल हो सकती है। तिरंगे को लेकर कड़े कानूनी प्रावधान है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का यदि सम्मान नहीं किया जाता है तो यह दंडनीय अपराध है। हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट, रणविजय कुमार।